Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune Newspaper of 4th January 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section, and you can collect December 2019 compilation of newspaper analysis in printed magazine form from our Ganeshguri Center. And this is the address of our Ganeshguri Center. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is titled Drug Abuse on the Rise in the Northeast. So this topic is important from your syllabus paper 4 internal security point of view. Usme aap ek subtopic dekhenge, the linkage of organized crimes with terrorism with a special emphasis on Assam. So ye topic aap isse relate kar sakte hain. Dekhte hain is article mein kya bataya gaya hai. इस आर्टिकल में बताया गया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग एडिक्शन इज ऑन द राइज इन इंटायर इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इंडिया भर के अंदर दो ऐसे रीजन हैं जहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, और वो है एक तो पहला रीजन दैट इज ऑन द बॉर्डर एरिया विथ पाकिस्तान. ये जो गुजरात या फिर राजस्थान या पंजाब वाला जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है दैट शेयर्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान, इन सारे एरियाज में ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. तो आगे बताया भी जाएगा कि आखिर इन दोनों रीजन्स में ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों है, वी विल सी. इसके पहले लेट अस ब्रीफली सी द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन. सो अकॉर्डिंग टू PubMed, drug addiction is defined as the existence of both psychological dependence and physical dependence on at least one illicit substance like opium, heroin, cocaine, herbal cannabis like ganja. तो ये है drug addiction का technical definition according to PubMed. PubMed is a search engine for medicinal purpose. तो medical field में यह search engine use किया जाता है. उसके अलावा ड्रग अब्यूज़ का सिंपल सा डेफिनेशन इस तरह का कुछ हो सकता है, इट इज़ द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ ड्रग इन अ मैनर वेयर द कंज्यूमर कंज्यूम्स द सब्सटेंस इन एन अमाउंट और विथ मेथड दैट आर हार्मफुल टू देमसेल्फ. तो ड्रग्स का जब हम इस्तेमाल ऐसे तरीके से करते हैं जिससे हमारे हेल्थ पे ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो उसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़. चाहे वो किसी भी तरीके का ड्रग हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या इस तरह के इलिसिट सब्सटेंस हो जैसे कि ओपियम, हीरोइन, कोकेन या गांजा हो. ऑल सच कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स दैट माइट हैव हार्मफुल इंपैक्ट ऑन आवर हेल्थ इज नोन एज ड्रग अब्यूज. तो अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर दो ऐसे ड्रग एडिक्शन जोन हैं. वन इज एज आई टोल्ड यू अक्रॉस द बॉर्डर एरियाज विथ पाकिस्तान, एंड सेकेंड इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. दोनों के अपने अपने कारण हैं. ये जो एरिया जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ के इंस्टेंसेस ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज दिस इज़ इन प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन क्रेसेंट, वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज़ इन प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्रायंगल, एंड दैट इज़ वाई दीज टू जोन्स आर हाईली वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज़. आपको आगे के स्लाइड्स में मैं बताऊंगा दैट दीज टू एरियाज गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल आर द टू नोटोरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड नोन फॉर ग्रोइंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओपियम. तो चूंकि यहाँ पे ओपियम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इस कारण से इनके आसपास के एरियाज में ड्रग अब्यूज़ के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, और खासकर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग करा करके इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग अब्यूज़ के प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा प्रमोट करता है. साथ ही साथ अगर आप बॉर्डर देखें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा का, तो आप देखेंगे कि दिस बॉर्डर इज़ वेरी मच पोरस. यहाँ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, और इस कारण से इसको प्रॉपर तरीके से गार्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है. और गोल्डन ट्रायंगल एरिया में जो भी ओपियम उगाया जाता है उसको आराम से ड्रग स्मगलर्स लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंटर कर जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन. सो एक बार गोल्डन ट्रायंगल देखते हैं, ये एरिया कहाँ पे है. सो गोल्डन ट्रायंगल इज एन एरिया वेयर द बॉर्डर ऑफ थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार मीट. तो ये कुछ रीजन जो नॉर्थ ईस्ट से जस्ट थोड़ी ही दूर पे है, जहाँ पे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की बाउंड्रीज मीट होती हैं, उस एरिया को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल नाम से जानते हैं. एंड दिस इज अ नोटोरियस रीजन, इट इज़ नोन फॉर ग्रोइंग ओपियम.
और नॉर्थ ईस्ट की प्रॉक्सिमिटी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन ट्रायंगल इज मेजर रीजन बिहाइंड हाई यूज ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. एज आई टोल्ड यू, सिंस द बॉर्डर इज क्वाइट पोरस, इस कारण से जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग स्मगलर्स हैं, दे फाइंड इट क्वाइट ईजी टू इंटर इन टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. गोल्डन क्रेसेंट इज अ रीजन दैट इज इन द कंटेजियस जोन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान. तो ये ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन को गोल्डन क्रेसेंट नाम से भी जानते हैं. दिस रीजन इज ऑल्सो नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ओपियम, और यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा इलिसिट तरीके से ओपियम उगाया जाता है. और उसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो इस गोल्डन क्रेसेंट का जो 90% ओपियम है वो अफगानिस्तान वाले एरिया में उगाया जाता है. पाकिस्तान या ईरान में नेग्लिजिबल अमाउंट में ओपियम उगाया जाता है ऑफ गोल्डन क्रेसेंट. अभी जरा देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उसको हम अलग अलग हेडिंग्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे. फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ कोर्स विल बी इकोनॉमिक. जो भी इंसान ड्रग एडिक्टेड हो जाता है वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मोरली या इंटेलेक्चुअली डिके करने लगता है, और इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक पोटेंशियल धीरे धीरे खराब हो जाती है, एंड ही और सी इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटीज, और इस कारण से वो अपनी फैमिली पे और अपने समाज पे एक तरह का इकोनॉमिक बर्डन बन जाता है. दूसरा, सोशल इशूज. तो ड्रग अब्यूज लीड्स टू सोशल क्राइम्स लाइक थेप्ट. इट कैन ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम लाइक ईव टीजिंग, ग्रुप क्लासेस. इसके कारण बहुत बार इम्पल्सिव होकर के लोग मर्डर तक का भी क्राइम कर देते हैं. उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग इज वन ऑफ द मेजर सोर्स बिहाइंड फाइनेंस ऑफ टेररिज्म. तो जो टेररिस्ट लोग हैं उनकी करेंसी का काम करता है ड्रग्स. वो मान लो टेररिस्ट लोगों को आर्म्स खरीदना है तो आर्म्स की खरीदने के बदले में वो पेमेंट कर देते हैं ड्रग्स में, क्योंकि उनको पता है कि ये ड्रग्स का इस्तेमाल करके आगे वो उसको आगे किसी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया जा सकता है फॉर द पेमेंट पर्पस. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट ड्रग्स आर कंसिडर्ड टू बी करेंसी ऑफ टेररिस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग ओवरऑल टेररिज्म इज फाइनेंस्ड. तो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन क्रेसेंट वाला जो एरिया है 90% एरिया अफगानिस्तान में पड़ता है, और अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है खासकर तालिबान और अलकायदा, वो वहाँ का ओपियम मेनली इसलिए उगाते हैं ताकि उसको बेच करके वो अपने ड्रग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर सके. उसके अलावा ड्रग अब्यूज से और भी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, सोशल इश्यूज निकल के आती हैं, खासकर वुमेन के ऊपर, वुमेन के कंडीशन के ऊपर सबसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज. वुमेन हैव टू फेस डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू इन्फेक्शन विथ HIV. होता कैसा है कि ड्रग अब्यूज में देखो मेनली दो तरीके के होते हैं. एक होता है नॉन इंजेक्ट ड्रग अब्यूज, जिसमें डायरेक्ट कोई एक ड्रग एडिक्ट टैबलेट ले लेता है या कोई डायरेक्ट सब्सटेंस को कंज्यूम करता है थ्रू स्मोक. या दूसरा होता है इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज, जिस तरह से मैंने इस फिगर में दिखाया है. और इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड स्प्रेड ऑफ HIV, क्योंकि एक ही सिरिंज को मल्टीपल यूज करने से होता कैसा है कि किसी इंसान जिसको HIV एड्स हो रखा है, अगर उसका सिरिंज अगर किसी दूसरे ने यूज कर लिया तो उसको भी HIV एड्स हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके अंदर HIV के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड उनके थ्रू द सेम HIV वायरस इज स्प्रेड टू देयर वाइफ. सो दिस लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शन विथ HIV फॉर वुमेन ऑल्सो. उसके अलावा ओवरऑल द वुमेन हैव टू फेस द फाइनेंशियल बर्डन इफ द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम्स अ ड्रग एडिक्ट. उसके अलावा हेल्थ इश्यूज तो है ही हैं, क्योंकि जो भी एक ड्रग एडिक्ट है ही और सी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू डिजीजेज लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, सी और ट्यूबरकुलोसिस. तो ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स निकल के आ सकते हैं बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन. सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ड्रग एडिक्शन को अवॉइड करने के लिए या ड्रग अब्यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? वी नीड टू अडॉप्ट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. तो वी नीड टू हैव मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू काउंटर द निगेटिव्स ऑफ ड्रग अब्यूज. तो वन कैन बी द सोसाइटी बेस्ड सॉल्यूशन. तो सोसाइटी के अंदर, हमें समाज के अंदर अवेयरनेस लाने की जरूरत है. उसके लिए हम मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग NGOs का हेल्प ले सकते हैं फॉर द डी एडिक्शन पर्पज. सोसाइटी में हमें अलग अलग लेवल पर काम करना होगा.
में फैमिलीज को अवेयर करना होगा, स्कूल चिल्ड्रन को अवेयर करना होगा, स्कूल के अंदर एजुकेशन दे करके, ड्रग एजुकेशन दे करके, या डेली वेज वर्कर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ड्रग एब्यूज़ को लेकर के, उनके अवेयरनेस पे भी काम करना होगा। उसके अलावा देयर आर सम लीगल मेजर्स, कुछ कानून भी हैं जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसके तहत इफ़ समवन इज़ फाउंड टू बी कंज्यूमिंग और सेलिंग सच नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस, देन ही और सी माइट बी सब्जेक्टेड टू अ जेल टर्म ऑफ 10 years, दैट कैन बी ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू 20 years, और उन पर फाइन भी लगाया जा सकता है अप टू 1 lakh, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 lakhs। अभी ज़रूरत है हमें इस लॉ को ज़्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की, और इन्फोर्समेंट एजेंसीज नीड टू बी मोर विजिलेंट रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ इन ऑर्डर टू कर्ब द राइज ऑफ ड्रग अब्यूज। उसके अलावा इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लिए गए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने एक अलग से ऑफिस सेटअप किया है इन द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। दिस वॉज एस्टैब्लिश इन 1997 टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कोऑर्डिनेट विद दिस इंटरनेशनल एजेंसी इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कर्ब द निगेटिव्स ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का कुछ सवाल आपके मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कोरिलेशन बिटवीन ड्रग अब्यूज एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो ड्रग अब्यूज को डिफाइन कर देना कि ड्रग अब्यूज वेन एवर समवन इन टेक्स एनी ड्रग दैट माइट हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन हिम और हर, देन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज नोन एज ड्रग अब्यूज, जो मैंने दे रखा है। उसके अलावा यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ ड्रग अब्यूज लीड्स टू ड्रग स्मगलिंग। तो ड्रग अब्यूज तो तभी हो पाएगा जब क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग होगी या इनसाइड द कंट्री ड्रग स्मगलिंग होगी, और ड्रग स्मगलिंग से प्रॉब्लम क्या, इट लीड्स टू ओवरऑल थ्रेट ऑन इंडियाज और एनी कंट्रीज सिक्योरिटी। हाउ? बिकॉज ड्रग स्मगलिंग इज मेजर सोर्स ऑफ टेरर फाइनेंस एंड इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। आप यहाँ पे तालिबान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो गोल्डन क्रेसेंट वाला एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स का, ओपियम का प्रोडक्शन तालिबान या अलकायदा के टेररिस्ट ही कराते हैं, एंड दे यूज दीज ड्रग्स फॉर सेलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, ड्रग्स एक्ट्स एज अ करेंसी फॉर आर्म्स स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ड्रग्स कैन ऑल्सो लीड टू क्राइम्स लाइक क्लासेस, थेफ्ट, मर्डर, इटीसी इन सोसाइटी। सो ऑल दीज लीड्स टू और पोजेस चैलेंज टू सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ऑप्शंस आपके कुछ इस तरह के हो सकते हैं, WTO, यूनिसेफ, UNDP और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। द आंसर इज डी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम पब्लिशेज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट फॉरेस्ट फायर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू योर सिलेबस पेपर टू फिजिकल ज्योग्राफी। वहाँ पे सब टॉपिक आप देख सकते हैं जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ETC। यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दिया नहीं है, बट स्टिल फॉरेस्ट फायर्स कैन बी आस्ड इन योर एग्जाम, चूंकि फॉरेस्ट फायर इस साल लगातार न्यूज में रहा है। पहले तो अमेजन फॉरेस्ट फायर, अब ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर। तो जरा देखते हैं ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर के बारे में क्या बताया गया इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि हाल फिलहाल में जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट के अंदर जो फायर्स चल रहे हैं, दे हैव टेकन अ कैटेस्ट्रॉफिक फॉर्म। बहुत सारे लोग, कम से कम 20 लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर तक का एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जो ऑस्ट्रेलिया के मेजर सिटीज हैं जैसे कि एडिलेड, मेलबॉर्न, कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इट इज़ ऑलमोस्ट अप टू द चोकिंग लेवल, जो हमारे दिल्ली का एयर पॉल्यूशन का लेवल है उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा एयर का पॉल्यूशन लेवल हो चुका है इन शहरों में, और वहाँ के लोगों के सर्वाइवल पर बिल्कुल पूरी तरह से थ्रेट आ चुका है। तो इसी आर्टिकल में फिर ये भी बताया जाएगा कि फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई नई बात नहीं है, इट्स अ जनरल ट्रेंड, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर नवंबर और दिसंबर महीने में फॉरेस्ट फायर्स आते ही आते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर ईयर इन 2019 नवंबर दिसंबर जो फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलिया में आया है वो कुछ ज़्यादा ही कैटेस्ट्रॉफिक फॉर्म उसने ले लिया है, और इस कारण से बहुत सारे फ्लोराज फौनाज को भी डैमेज हुआ है। अभी हमें एक बात समझनी है कि ऑस्ट्रेलिया का एक बार हम जरा सा फिजिकल मैप अगर देखें
तो हमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो 80% लैंड है दैट इज डेजर्ट, ये जो ऑस्ट्रेलिया का जितना भी सेंट्रल लैंड पार्ट वाला एरिया है दैट इज डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं दे आर मोस्टली ऑन द कोस्ट, और वहीं पे सारे उसके सेटलमेंट हैं, जो उसका मेन लैंड है वो तो पूरी तरह से डेजर्ट है। डेजर्ट के अलावा अगर हम देखेंगे तो इन कोस्टल एरियाज के पास कुछ हद तक फॉरेस्ट भी हैं। सो इफ वी सी द फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया देज आर फॉरेस्ट, उसके अलावा यहाँ पे कोस्टल एरियाज में देयर आर सम इम्पॉर्टेंट सिटीज, और इन सिटीज से लगे हुए वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट हैं। हम अपने फिजिकल ज्योग्राफी क्लास में ये भी पढ़ चुके हैं कि वाई देयर आर द ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड इज फुल ऑफ डेजर्ट, लेकिन यहाँ पे वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ जस्ट टू स्टडी ऑफ द फिजिकल मैप। तो द फॉरेस्ट्स आर adjacent to the major cities of Australia, यानी कि इस रीजन में फॉरेस्ट हैं, और अगर जब यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स लगेंगे आएंगे तो naturally इन सिटीज के अंदर एयर पॉल्यूशन का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी हमें ये समझना है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर नवंबर और दिसंबर महीने में क्यों इतना ज्यादा फॉरेस्ट फायर आ रहा है। इंडिया के अंदर भी फॉरेस्ट फायर्स आते हैं लेकिन वो नवंबर दिसंबर महीने में नहीं आते, वो अप्रैल या मई महीने में आते हैं, मॉनसून से पहले वाले सीजन में आते हैं। तो हमें ये समझना है कि आखिर नवंबर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेस्ट फायर्स क्यों आ रहे हैं। सो इफ वी स्टडी द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इफ वी स्टडी द सीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वी विल रियलाइज कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नवंबर दिसंबर वाला मंथ है दैट इज प्री मानसून मंथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मानसून या रेनफॉल का टाइम जो है नवंबर दिसंबर के बाद, इट विल कम समवेयर इन फेब्रुअरी। तो अनमानसूनल रेनफॉल हैपन्स जनरली बिटवीन जनवरी टू मार्च इन ऑस्ट्रेलिया, और ये जो सीजन है जहाँ पे अभी उनके यहाँ फॉरेस्ट फायर आया है नवंबर टू दिसंबर, देयर इट इज़ देयर प्री मानसून सीजन। और इस प्री मानसून सीजन में अक्सर होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया फेसेस ड्राई क्लाइमेट, जैसे इंडिया में भी प्री मानसून सीजन में अप्रैल और मई में ड्राई क्लाइमेट होता है एंड हीट वेव्स चलते हैं, और इस कारण से इंडिया के भी फॉरेस्ट में फायर लगते रहते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी प्री मानसून सीजन चल रहा है, नवंबर दिसंबर का सीजन स्पेशली उनका प्री मानसून सीजन था जहाँ पे दे हैड ड्राई क्लाइमेट एंड देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ हीट वेव, और उस कारण से ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेस्ट फायर्स लग गए। लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है, ये तो जनरल ट्रेंड है कि हर साल नवंबर दिसंबर महीने में जो उनका प्री मानसून सीजन है उसमें वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं और उस फॉरेस्ट फायर्स के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस साल फॉरेस्ट फायर काफ़ी विगरस रहा है और अभी तक इसके बीच इसके का कोई कंसेंसस नहीं बना पाए हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड ह्यूज फॉरेस्ट फायर इन दिस पर्टिकुलर ईयर। अदरवाइज द फॉरेस्ट फायर इज अ जनरल ट्रेंड इन द प्री मानसून सीजन दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर इन ऑस्ट्रेलिया, बट दिस ईयर दिस फायर वॉज क्वाइट ह्यूज क्वाइट विगरस। उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, दो देर इज नो कंसेंसस बट स्टिल जो कारण बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि एक्सेसिव कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कोल फील्ड्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो एक कारण सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं दुनिया भर के कि चूंकि अब टेम्परेचर ओवरऑल दुनिया भर का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इस कारण से जो फॉरेस्ट फायर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो ज़्यादा विग्रस रहे हैं। जो दूसरा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ज़्यादातर कोल माइंस हैं दे आर adjacent टू these सिटीज़। आप देख सकते हैं ये मैंने कोल डिपॉजिट्स ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंट किए हैं और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अग्रेसिव तरीके से कोल माइंस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करता, वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है बट वो अभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी वो कोल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर, और इन रिसेंट टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन इंगेज्ड इन अग्रेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम इट्स कोल माइंस। और एक ये कारण बताया जा रहा है कि क्यों इस पर्टिकुलर ईयर में ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट फायर्स इतने विगरस हो गए हैं। अगर ओवरऑल हमारे मन में अभी ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाई ऑस्ट्रेलिया हैज सच अ डिफरेंट सीजन फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया, इंडिया में जहाँ अभी एक टाइम में इतनी सर्दी है ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये समय हो सकता है हीट वेव का एंड हाउ इट माइट लीड टू फॉरेस्ट फायर। तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा इफ़ वी अंडरस्टैंड ओवरऑल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया अक्रॉस आवर ग्लोब। तो हमें पता चलेगा कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और
इस कारण से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो सीजन है वो क्वाइट अपोजिट हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिसंबर से फरवरी का जो सीजन होता है वो समर सीजन होता है, जबकि इंडिया में वो विंटर का सीजन होता है। मार्च टू मई इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑटम व्हाइल इट इज स्प्रिंग सीजन इन इंडिया। जून टू अगस्त इज विंटर इन ऑस्ट्रेलिया व्हाइल इट इज समर इन इंडिया। एंड सेप्टेम्बर टू नवंबर इज स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया व्हाइल इट इज ऑटम इन इंडिया। हमें इस क्यों नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर के सीजन्स क्वाइट अपोजिट होते हैं उसका जवाब भी हमें इस फिगर के हेल्प से मिल सकता है। यू नो दैट आर अर्थ रोटेट्स ऑन एन एक्सिस बट दैट एक्सिस इज इंक्लाइंड बाई 23.5 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन क्रिएटेड बाई रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये अर्थ जब हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके कारण एक प्लेन बनता है। उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर, अगर इमेजिनरी परपेंडिकुलर सोचा जाए तो उस इमेजिनरी परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री का एक एंगल बनाता हुआ जो एक्सिस है उस एक्सिस के अराउंड हमारा अर्थ रोटेट भी करता है। और ये कंप्लीट रोटेशन हमारा अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, जबकि एक पूरा रिवॉल्यूशन हमारा अर्थ 365 डेज में लगभग कंप्लीट कर लेता है। टू बी वेरी प्रिसाइज 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो इस इंक्लिनेशन के कारण होता कैसा है कि मान लो ये दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सन इज फाउंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो अभी का टाइम चल रहा है दिसंबर या जनवरी का, उसमें होता क्या है कि सदर्न हेमिस्फेयर फॉल्स डायरेक्टली अंडर द सन। तो अब देख सकते हैं कि जो भी सदर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज हैं उनको डायरेक्ट सनरेज मिल रहे हैं और इस कारण से सदर्न हेमिस्फेयर में अभी होगा समर, जबकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज हैं दे आर नॉट डायरेक्टली फॉलिंग अंडर द सनरेज और उनके ऊपर जो सनरेज पड़ रहे हैं दे आर ऑब्लिक, एंड इस कारण से जो सनरेज हैं वो ज़्यादा हार्ड या स्ट्रांग भी नहीं है। और उसके अलावा दीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज आर मूविंग अवे, दे आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सन, और दैट इज़ वाई इस एरिया में अभी विंटर होगा जो दिसंबर का टाइम है। और इंडिया चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है इसलिए इंडिया के अंदर भी अभी विंटर होगा, जबकि दोज कंट्रीज दैट आर लाइंग इन द सदर्न हेमिस्फेयर दे विल फेस समर। तो इस कारण से द मंथ ऑफ दिसंबर टू फरवरी इज समर इन ऑस्ट्रेलिया वाइल इट इज विंटर इन इंडिया। एग्जैक्टली अपोजिट अगर ये सिचुएशन देख लें, ये ओरिएंटेशन देख लें अर्थ एंड सन का, देन वी विल रियलाइज कि इन दिस ओरिएंटेशन दैट इज फाउंड समवेयर इन द मंथ ऑफ जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लाइज डायरेक्टली अंडर द सन, एंड दैट इज वाई द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज फेस अ डायरेक्ट सन रेज, स्ट्रॉन्ग सन रेज, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एनी वे इज क्लोजर टू द सन, दैट इज वाई दे विल द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज विल हैव समर, वाइल द सदर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज दे आर मूविंग अवे, दे आर लाइंग अवे फ्रॉम द सन एंड दे आर ऑल्सो नॉट फेसिंग डायरेक्ट सनरेज, दे आर फेसिंग ऑब्लिक सनरेज, दैट इज वाई दीज कंट्रीज लाइंग इन द सदर्न हेमिस्फेयर विल हैव विंटर। और आप देख सकते हैं कि द मंथ ऑफ जून टू अगस्त इज विंटर सीजन फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो द एंटायर रीजन वाई इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अपोजिट सीजन लाइज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट 107th इंडियन साइंस कांग्रेस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कैन ऑल्सो कम इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मैंने इस टॉपिक के हेल्प से कवर करने की कोशिश की है वो है ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस। सो लेट अस सी इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया गया है। सबसे पहले न्यूज देखते हैं वो है क्या। सो न्यूज सेज दैट 107th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑफ 2020 वाज हेल्ड इन बेंगलुरु एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंडियन साइंस कांग्रेस वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो इस 107th साइंस कांग्रेस को अटेंड करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ के साइंटिस्ट कम्युनिटीज को एड्रेस करते हुए बताया कि ई गवर्नेंस इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट इंश्योरिंग और अवेलिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस भारत सरकार की काफ़ी मदद कर रहा है इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, दैट मीन्स अवेलिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इन इफेक्टिव मैनर टू द पीपल। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया है दैट स्कीम्स लाइक पीएम किसान is now being successfully implemented with help of ICT technology, information communication technology. So this is one example of e-governance, where e-governance is helpful in ensuring good governance.
तो एक बार जरा ई गवर्नेंस का भी डेफिनेशन देख लेते हैं. ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस एंड दिस प्रोविजन इज यूज फॉर स्कीम्स लाइक पीएम किसान. तो एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं. पीएम किसान ऑलरेडी मैं आपको दो तीन बार बता चुका हूँ. पीएम किसान के प्रोविजन आपको पता ही है. वो सारे फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग साइज 2 हेक्टेयर से कम है उनको एनुअल सम ऑफ ₹6,000 विल बी प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज आर इनकम सपोर्ट एंड दिस सम विल बी प्रोवाइडेड इन 3 equal installments ऑफ ₹2,000 each. ये स्कीम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन लेट अस सी हाउ दिस स्कीम इज बीइंग सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस. तो होता क्या है कि अब भारत सरकार अपने अकाउंट से सीधा सीधा फार्मर जिनके अकाउंट में पैसा डालना है, हु आर इंटेंडेड बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम पीएम किसान, उनके अकाउंट में सीधा सीधा पैसे डाल देती है. और उस कारण से ये स्कीम सक्सेसफुल तरीके से, इफिशियंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से रन हो पा रहा है. पहले क्या प्रॉब्लम होता था कि भारत सरकार के अकाउंट से ये पैसा जाएगा किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और गवर्नमेंट ऑफिस से जाकर के किसान को कलेक्ट करना होता था. अब किसान को गवर्नमेंट ऑफिस से एज इट इज पैसा मिलता नहीं था. किसान को वहां पे कुछ ना कुछ ब्राइब देना होता था इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम टू विच ही और सी इज एक्चुअली इंटाइटल्ड. तो जो उसका हक है उसको भी पाने के लिए उसको जाकर के गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी गवर्नमेंट क्लर्क हैं या ऑफिसर्स हैं उनको ब्राइब देना होता था. तो ₹2,000 ऊपर से आएंगे लेकिन किसान को एक्चुअल में 1,000 या 500 रुपए ही मिलेंगे. बाकी का 1,000 या 1,500 रुपए किसान को ब्राइब के रूप में दे देना पड़ता था. और इस तरह का कभी भी आप कोई एसे लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो राजीव गांधी जी का, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इन योर एसेज. स्पेशली उन्होंने 1985 में कहा था एक बार, एंड दिस हैज नाउ बिकम ए वेरी फेमस स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्राइबरी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, रिगार्डिंग करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज. उन्होंने ये कहा था कि ओनली 15 पैसे ऑफ एवरी रुपी मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन रीचेज देम. तो ऊपर से अगर एक रुपया चलता है तो जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है जिसके लिए वो एक रुपया भारत सरकार ने रिलीज किया था उसके पास सिर्फ ओवरऑल 15 पैसा ही पहुंचता है ऑन एन एवरेज. ऐसा राजीव गांधी जी ने कहा था. दैट इज व्हाई ही सेड नीड ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कर्ब सच करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज. और अब आईसीटी टेक्नोलॉजी जिनकी शुरुआत राजीव गांधी सरकार ने ही की थी, अब उसका हम बेनिफिट देख सकते हैं. भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है वो पूरा का पूरा पैसा इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है. और इस कारण से जो लीकेज है, जो करप्शन है, उन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है. अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात चल रही है, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड द टर्म जैम ट्रिनिटी एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2014-15, जैम ट्रिनिटी इज अ प्री कंडीशन फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. सो जैम ट्रिनिटी है क्या? जैम ट्रिनिटी इज यूनिटी ऑफ 3 entities, जे फॉर जनधन आधार अकाउंट, जनधन अकाउंट, ए फॉर आधार एंड एम फॉर मोबाइल. सो जैम ट्रिनिटी एसेंशियल कॉम्पोनेंट है, एसेंशियल कंडीशन है अगर हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है. तो किसान का अपना एक जनधन अकाउंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पीएम किसान स्कीम, जब तक किसान का अपना जनधन अकाउंट होगा नहीं, उसके अकाउंट में सरकार पैसे ट्रांसफर करेगी कैसे? अगर वो जो अकाउंट है जनधन अकाउंट, दैट मस्ट बी लिंक्ड विथ आधार नंबर, अदरवाइज कैसे ऑथेंटिकेट कर पाएगी भारत सरकार की अकाउंट किसका है? हो सकता है कि कोई फर्जी आदमी अपना अकाउंट नंबर डाल दे और जो पैसा है वो इंटेंडेड या राइट बेनिफिशियरी को ना पहुंच पाए. दैट इज वाई लिंकेज ऑफ जनधन अकाउंट विद आधार नंबर इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द बेनिफिट इज गेटिंग पास टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी ओनली. एंड ऑल दिस जनधन अकाउंट लिंक्ड विद आधार मस्ट बी लिंक्ड विद अ मोबाइल नंबर जो किसान के पास होना चाहिए, जिससे किसान को टाइम टू टाइम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि उसके अकाउंट में कितने और पैसे भारत सरकार ने ट्रांसफर किए हैं. एंड दैट इज वाई जैम ट्रिनिटी इज एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी. और इसी काम को करने के लिए, इसी जैम ट्रिनिटी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग स्कीम चला रखे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना या UIDAI स्कीम, इन ऑर्डर टू मेक आधार कार्ड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री. द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. रतन टाटा मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट.
ये पूरा टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. उसके अंदर भी सब टॉपिक आप देखेंगे. देन देयर इज अ सब टॉपिक एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है. सो दिस आर्टिकल इज अबाउट साइरस मिस्त्री. तो साइरस मिस्त्री वॉज चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स कंपनी फ्रॉम 2012 टू 16. लेकिन उनको 2016 में चेयरमैन पोस्ट से हटा दिया गया फ्रॉम द टाटा एंड सन्स कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज इशू ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. साइरस मिस्त्री ने इस डिसीजन को चैलेंज किया इन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. एंड फाइनली 2019 दिसंबर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का फैसला आया जिसमें उन्होंने साइरस मिस्त्री को फिर से टाटा एंड सन्स का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया. अब एनसीएलटी के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के इस डिसीजन के अगेंस्ट रतन टाटा जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं टाटा एंड सन्स के, ही इज नाउ चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी इन द सुप्रीम कोर्ट. एंड रतन टाटा इज सेइंग दैट साइरस मिस्त्री फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज वाई ही शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स. तो जरा डिटेल में देखते हैं कि हाउ साइरस मिस्त्री इज facing an issue of conflict of interest. So before that we need to briefly understand what is conflict of interest. It is a situation in which a person is in a position to derive personal benefit from his actions or decisions made in their official capacity. तो आपकी कभी भी अगर आप कोई भी public office hold कर रहे हैं तो आपकी अब उस टाइम में दो तरह की identity है. One as an in your personal capacity and another as a person holding that public office. For example, in this particular case, Cyrus Mistry ki ab do identity hai. One as chairman of Tata and Sons and another identity as Cyrus Mistry. Aur agar Cyrus Mistry aisa koi bhi kaam karte hain in his official capacity, means as chairman of Tata and Sons, jisse unko koi personal benefit derive ho jata hai, unke personal life mein ya unke family ko ya unke friends ko koi fayda hota hai, waise situation ko hum kahenge situation of conflict of interest. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है. इट्स अ पर्सन्स पर्सनल इंटरेस्ट व्हेन कम्स इन कन्फ्लिक्ट विथ हिज और हर ड्यूटी. मान लो आप कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपको अब किसी एक अपने क्लर्कियल पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करना है और आपका एक फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे अपॉइंट कर दो उस पोस्ट पे या मेरे किसी दूसरे कलीग को अपॉइंट कर दो उस पोस्ट पे. सो नाउ सच सिचुएशन इज अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आप अपने दोस्त की बात मानते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर ऑफिशियल पोजिशन इन ऑर्डर टू फुलफिल योर पर्सनल बेनिफिट एंड दैट सिचुएशन इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इसको हम नेपोटिज्म भी कहते हैं. सो अब देखते हैं टाटा एंड सन्स के केस में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अराइज हो रहा है. तो साइरस मिस्त्री उनका एक अपना फैमिली बिजनेस भी है. उस फैमिली बिजनेस का नाम है द सापूरजी एंड पालूनजी ग्रुप. और रतन टाटा जी ने क्लेम किया है कि टाटा एंड सन्स का चेयरमैन बनने से पहले देयर इज अ प्री कंडीशन दैट द पर्सन मस्ट डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ हिज फैमिली बिजनेस. यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अगर साइरस मिस्त्री को टाटा एंड सन्स का चेयरमैन बने रहना है तो उनको अपने आप को पूरी तरह से डिसोसिएट करना होगा फ्रॉम द सापूरजी एंड पालूनजी ग्रुप. लेकिन रतन टाटा ने अक्यूज किया है कि साइरस मिस्त्री इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन हिज फैमिली बिजनेस ऑल्सो वाइल एक्टिंग एज चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स और इस कारण से उनके एक्शन में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है. जैसे आप इस पर्टिकुलर पर्सन को देख सकते हैं, एक तरफ टाटा एंड सन्स कंपनी के इंटरेस्ट हो सकते हैं, दूसरे तरफ उनके सापूरजी पालूनजी ग्रुप का इंटरेस्ट हो सकता है. और हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर केस में वो टाटा एंड सन्स के इंटरेस्ट को सबड्यू करके रेस्ट्रिक्ट करके सापूरजी एंड पालूनजी के इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करें. सच सिचुएशन इज नोन एज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज वाई साइरस मिस्त्री शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स. इस ग्राउंड पे रतन टाटा जी चैलेंज कर रहे हैं एनसीएलटी का डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट. अभी क्या फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, दैट वी विल कवर लेटर. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, अकीरा मियावाकी मेथड ऑफ अफॉरेस्टेशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. दिस कैन ऑल्सो कम इन योर प्रीलिम्स एग्जाम. न्यूज क्या है जरा देखते हैं. सो इस न्यूज में यह बताया गया कि गुवाहाटी रिफाइनरी ने अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग 4,000 प्लांट्स लगाए हैं इन अमीन गांव.
And while putting or planting these saplings, the Guwahati refinery has utilized a method known as Akira Miyawaki method for setting up forest in the region. So I picked up this article in order to help you in understanding this Akira Miyawaki method. Ho sakta hai ki aapse as it is prelims exam mein pooch liya jaye. So Akira Miyawaki method jara samajhte hain. It is a technique pioneered by a Japanese botanist Akira Miyawaki. So Akira Miyawaki is a Japanese botanist. इन्होंने एक technique निकाला है for afforestation. और इस technique के हिसाब से अगर trees लगाए जाए, plants लगाए जाए, तो उनका growth rate लगभग 10 गुना ज़्यादा fast हो जाता है. और overall जो forest बनता है, that is 30 times denser as usual. ऐसा claim किया गया है under Akira Miyawaki method. And this is been successfully tested also. So, इसमें वैसे तो कई सारे स्टेप्स हैं, लेकिन इसको सिंपलीफाई करके मैंने बताया अकीरा मियावाकी मेथड एग्जैक्टली है क्या. सो अकीरा मियावाकी मेथड में इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो हमें सोइल का टेक्सचर समझना चाहिए और उसके अंदर किस-किस तरह के बायोमास हैं उसको समझना चाहिए. बिना उसको समझे अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो उनकी डेंसिटी कम रहेगी और उनका ग्रोथ रेट कम रहेगा. सो फर्स्ट स्टेप दिस हैज टू बी टेकन अप. उसके बाद हमें सोइल के टेक्सचर और बायोमास के हिसाब से ही प्लांट स्पेसीज या ट्री स्पेसीज चुनने चाहिए कि कौन-कौन से ट्री स्पेसीज या प्लांट स्पेसीज लगेंगे. उसके अलावा इन्होंने एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट भी बताया है कि कैसे हमें प्लांट्स या ट्रीज को अरेंज करना है इन आवर फील्ड सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम ग्रोथ रेट एंड मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट. तो इन सब को हम कहते हैं शॉर्ट में अकीरा मियावाकी मेथड. इस मेथड को फॉलो करने से जो प्लांट्स की जो ग्रोथ रेट है दैट इज जनरली 10 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल ग्रोथ रेट. Let us cover some prelims related facts that came in the newspaper. Iranian General Qasim Soleimani was killed in a drone strike by the US Army. अब ये टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इसको मैंने अभी इसलिए कवर नहीं किया है बिकॉज दिस विल अनफोल्ड फर्दर. अभी हमें देखना होगा कि ईरान क्या स्टेप लेता है, इसमें दुनिया भर के कंट्रीज का क्या रिएक्शन होता है. सो आई विल कवर द सेम टॉपिक व्हेन इट अनफोल्ड्स फर्दर इन आवर इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट. द सेकेंड टॉपिक इज जायंट राफलेसिया टुआन मुडाए इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर दैट वॉज स्पॉटेड इन इंडोनेशिया. Global Innovation Index is annually published by NCLT and World Intellectual Property Organization. And India's ranking in Global Innovation Index is 52, which shows an improvement of 5 points from the last year's ranking of 57. That's all from our side today. Thanks for watching.